अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और सर्दियों की मॉर्निंग है। आप देख सकते हैं सूरज का तो अभी कोई पता भी नहीं है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी, बच्चों को मैंने उठा दिया है, रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। 2 दिन से स्कूल नहीं गए थे तो थोड़ा फ्रेश नहीं है, क्योंकि हम लोगों की नींद भी बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी ट्रैवलिंग की वजह से। तो बस अभी बच्चों को आज स्कूल जाना है और आज सुबह से ही मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। जितने क्लिप्स होंगे हमेशा की तरह आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी, और आज मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस भी जो मैंने बच्चों के साथ लिया वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15, बच्चे जा चुके हैं, आज मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी है। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने ब्लॉग बनाना शुरू करा है और जो भी क्लिप्स होंगे हमेशा की तरह आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। और हम लोग मुरादाबाद से नेक्स्ट डे आए थे और दोनों दिन का फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा। आई होप आप लोगों ने रिसेप्शन और शादी दोनों का ब्लॉग काफ़ी इंजॉय किया होगा। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी थी, जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, आप लोगों को बता रही थी, मेरे मुंह से सिर्फ शादी ही निकल रहा था, क्योंकि रिसेप्शन जनरली मुँह पर आता नहीं है, तो शादी वाला वर्ड ही मेरे मुँह से बार बार आ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फंक्शन काफ़ी अच्छे रहे और आपके साथ मैंने जो भी क्लिप्स बना के रखे हैं 2 दिन के सारे आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसी वजह से जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बाकी वीडियोस को भी खूब इंजॉय करिए। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन लौटते वक्त मैं किसके साथ आई थी, कैसे आई थी, सब कुछ आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूंगी। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। पहले आप क्लिप्स देखिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, ये बरेली का फेमस झुमका चौराहा है, जो आपने बॉलीवुड गानों में भी सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो ये वही झुमका है। तो यहाँ पर आलिया भट्ट और रणबीर सिंह भी आए थे यहाँ पर कुछ टाइम पहले, उन्होंने शूट भी किया था अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। तो मैं जब वापसी में आ रही थी तो मेरा एज सच कोई शूट करने का ध्यान में भी नहीं था मेरे कि मैं कुछ शूट करूँगी, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद माई चिल्ड्रेन। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चों के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी थोड़े बहुत क्लिप्स शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बस में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। और पीछे हयात भी बैठी हुई थी, अल्तमश साथ में थे और माहीन और मैं आगे बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने थोड़े बहुत क्लिप्स भी शूट करे और यहाँ पर कंटिन्यूसली फेस पर धूप आ रही थी, तो माहीन ने दुपट्टा साइड में लगा दिया कि मम्मा अब धूप बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये थोड़े बहुत क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ बस में ट्रैवल करने का, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था बच्चों के साथ, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और आप देख सकते हैं कि फेस पे कंटिन्यूसली हमारे धूप आ रही थी, और इस साइड बैठ के तो सच में हम बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। हम यही कह रहे थे माइंड हमें दूसरी वाली रो में बैठना चाहिए था। यहाँ पर रास्ते के थोड़े बहुत क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस हमेशा की तरह आई होप आप लोग वीडियो को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, मैंने पूरी बिरयानी रेडी कर दी है, बस इसमें चावल डालना बाकी रह गए हैं, मैं जल्दी से डाल देती हूँ क्योंकि अजान भी हो गई और 2 बजे बच्चे भी आ जाएंगे। आज का दिन सही से हो गया था? मॉनिटर बना दिया था मैं, अच्छा चलाओ बिरयानी बनाई मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है? नहीं खाओगी? नहीं। अरे रायता भी है? नहीं। मुझे वजह पूछनी है क्योंकि आपने काली बनाई है। अच्छा, काली बिरयानी कौन सी होती है? माशाल्लाह कितनी गरम गरम भापे निकल रही हैं इसमें से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी होगी हमेशा की तरह। बस बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उन्हें सर्व कर देती हूँ। और आज मैंने सेला चावल की बनाई है बिरयानी। तो बस चलते हैं अंदर, ये बच्चे जस्ट स्कूल से आए हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें भूख भी लग रही है। मैं प्लेट्स ला रही हूँ। यहाँ पर बच्चों ने अभी खाना वगैरह खा लिया है और घड़ी में बज रहे हैं अभी 3, और थोड़ी देर ये लोग गेम खेलेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर माहिन के ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। कैसे रहे अपने फंक्शंस, एंजॉय किया था तुम लोगों ने? अब फिर जा रहे।
तो व्यूअर्स अभी मैंने रूम वगैरह क्लीन कर दिया है, बेडशीट भी चेंज करी है क्योंकि दो दिन से घर की प्रॉपर सफाई नहीं हुई थी तो डस्ट बहुत ज़्यादा थी। और मैंने दूसरे वाले रूम के भी कवर्स वगैरह चेंज करे हैं और यहाँ का रूम भी मैंने अच्छे से क्लीन करा है क्योंकि बंद होने की वजह से काफ़ी डस्ट थी। तो अभी मैंने सारी डस्टिंग वगैरह करके सारे कवर्स वगैरह चेंज करे हैं, फिर मैं रेडी होके आप लोगों से मिल रही हूँ। आई होप आप लोग सारे क्लिप्स को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे और सच में हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये एक्सपीरियंस मैंने अपने बचपन में किया था, मैं ट्रैवलिंग नहीं करती हूँ बस से। हयात माही इन सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बस में ट्रैवल कर रहे थे तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। वो ज़्यादातर तो रील्स वगैरह ही बना रहे थे और ज़्यादा मैंने वहाँ पर कोई शूट नहीं किया था एज सच, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था मैं कुछ व्लॉग वगैरह वहाँ का शूट करूँ। लेकिन बच्चों ने कहा मम्मा आप थोड़े बहुत क्लिप्स ले लीजिए, अपने जो है व्लॉग में ज़रूर शेयर करिएगा। तो वहाँ पर मैंने थोड़े बहुत ही क्लिप्स बनाए थे और आकर तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी और बस हम लोगों ने कुछ नहीं करा। सबसे पहले मैंने बच्चों के स्कूल जाने की तैयारियां की, उनके ड्रेसेस वगैरह आयरन कर रखे और सच में नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी तो थकान ज़्यादा हो रही थी। और बच्चों का तो मन भी नहीं था नेक्स्ट डे स्कूल जाने का, लेकिन ऑलरेडी उनकी दो छुट्टियां हो चुकी थी तो उन्हें स्कूल जाना ही जाना था। तो बच्चे भी स्कूल गए थे, वो भी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। ये शादी का सीज़न है, अभी शादियां ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी मेरे यहाँ के फंक्शन ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी नवंबर में भी शादी है और दिसंबर में भी शादी है। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को बिल्कुल मिस ना कर सकें। और जितनी भी तैयारियाँ होंगी शादी की, उससे रिलेटेड फंक्शन, सब कुछ आपके साथ हम ब्लॉग में शेयर करने वाले हैं। और एक शादी तो मेरी खाला की बेटी की है तो वो भी सारी चीज़ें आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे और ब्लॉग्स हमारे सच में बहुत अच्छे होंगे। तो जिस जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और काफ़ी अच्छे यूज़फुल आपके साथ मैं सारे ब्लॉग्स शेयर करूंगी। आप लोग हमें टाइम देते हैं तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव भी शेयर करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप लोग मुझसे कुछ चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल ब्लॉग बनाऊँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आ रही है एक चैलेंज करने की, इंशाल्लाह जैसे ही बच्चे फ्री होते हैं मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वो मेरा मोस्ट रिक्वेस्टेड चैलेंज है। तो इंशाल्लाह वो चैलेंज भी मैं जल्दी ही करूँगी। फिलहाल तो आप सारे क्लिप्स इंजॉय करिए। यहाँ पर बज रहे हैं घड़ी में अभी 8:30 और मैंने अभी स्टार्ट किया है बच्चों को रिवाइज कराना, क्योंकि हयात ने 3-4 दिन से ये रूटीन बना रखी है कि वो दोपहर में 3 बजे सो रही हैं और 7:30 बजे के अराउंड उठ रही हैं। तो अभी ये सोकर उठी हैं, इन्होंने डिनर किया है, फिर ये पढ़ रही हैं और ये मुझे अपना लर्न करा हुआ सुना रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों की अभी यही रूटीन चल रही है क्योंकि दिसंबर की फर्स्ट वीक में बच्चों के फिर से यूटी स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर में मेरी खाला की बेटी की शादी भी है। तो बस मुझे पहले से ही सारी तैयारियां करा के रखनी है कि अगर एग्ज़ाम ड्यूरिंग द फंक्शन आते भी हैं तो एटलीस्ट हमारी प्रिपरेशन हो जाए। और हयात यहाँ पर अभी खेलो मत, पहले मुझे जाके जल्दी जल्दी सुना दो। हमेशा की तरह ये सारे क्लिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे और हमारे ब्लॉग्स आगे के सच में बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, काफ़ी फंक्शन वाले ब्लॉग्स होने वाले हैं क्योंकि ज़्यादातर माशाल्लाह मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान है, ससुराल बहुत बड़ी है तो रेगुलर कहीं ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं, इस वजह से मैं आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती रहती हूँ। तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।